अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं कि सब खैर खैरियत से होंगे तो आज हम जो है मेहमानों को लेकर आए हैं बड़ी माम सरकार के दरबार पर जैसे कि आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देख लिया कि हमने इस वीडियो में कहाँ कहाँ गए हैं और क्या क्या कुछ किया लेकिन अभी भी वीडियो में बहुत कुछ बाकी है तो आपने स्किप नहीं करना तो ये बड़ी माम सरकार के दरबार पे हम आ चुके हैं ये भी जो है बहुत मशहूर जगह इस्लामाबाद की लोग दूर दूर से आते हैं तो ये लंगर खाने के लिए लोग यहाँ से ख़रीदते हैं देखे जिन्होंने मनतें मानी होती हैं तो आगे आगे चलते हैं शॉप्स हैं ये सारी ये चीज़ों की ये खिलौने वगैरह और कुछ इस तरह की जेलरी वगैरह लोग ख़रीदते हैं गिफ्ट्स के तौर पर तो आगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीवर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो लोग नए हैं और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप भी मेरी वीडियो आराम से देख सकें तो जी यहाँ पर आगे हम आपको साथ साथ दिखाते हुए चले जा रहे हैं ये आ, मिठाई है कि ये हमने ली थी इसको पता नहीं क्या बोलते मुझे इसका नाम नहीं आता तो बहुत मज़े की लगती है मुझे बहुत अच्छी लगती है तो ये हमने ली इसके ऊपर तिल लगे होते हैं शायद सूजी से बनी हुई होती है शायद अगर आप लोगों को इसका नाम आता होगा तो बताइएगा कमेंट करके ये बहुत मज़े की होती है तो ये हमने ली सब ने खाई बहुत मज़ा आया मज़े की होती है यहाँ पे ही मिलती है ख़ासकर तो ये दरबार के अंदर जो लोग फूल वगैरह और मखाने चादर वगैरह चढ़ाते हैं तो यहाँ से ख़रीदते हैं यहाँ पे शॉप्स बनी हुई हैं इसकी बाहर हमने भी यहाँ से ली और वो फिर अंदर चढ़ानी होती है दरबार पे जो अंदर लेकर जाते हैं और उसके बाद ये यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं कुछ मखाने वगैरह किस पैकेट्स तो अभी हम लोगों ने वो चीज़ें ख़रीद ली अभी हम अंदर जा रहे हैं साथ साथ आपको दिखा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा रश होता है यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं तो बड़ी माम सरकार के दरबार के अंदर हम आ चुके हैं यहाँ पे लेडीज़ के लिए उन्होंने अलग से बनाया हुआ है गेट बैक साइड पर और फ्रंट पे से जो है ना वो मर्द जाते हैं तो अलग अलग रास्ते बनाए हुए हैं इन्होंने मर्दों और औरतों के क्योंकि जब रश होता है तो बहुत ज़्यादा रश होता है इसीलिए उन्होंने लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते बनाए हैं तो यहाँ पे हम अंदर आ चुके हैं ये इन्होंने जो ग्रीन सी दीवार लगाई हुई है ना उस साइड पे मर्द होते हैं और इस साइड पे लेडीज़ होती हैं तो हम अभी दरबार के अंदर आ चुके हैं मैं आपको दिखा रही हूँ अभी इन्होंने नया बनाया है इससे पहले जब पुराना था तब भी हम लोग गए थे काफ़ी अर्से पहले की बात है तो अभी तो माशाल्लाह से बहुत ख़ूबसूरत बन गया काफ़ी बड़ा भी बन गया और नया बन गया है ये तो हम यहाँ पे भी मेहमानों को लेकर आए थे क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि हमें जो है ना बरी माम सरकार के दरबार पे ज़रूर लेके जाइएगा हमने कहा क्यों नहीं क्यों नहीं आपको लेकर जाएंगे ज़रूर आपको यहाँ के जो मशहूर जगह हो सकेंगी हम देख दिखा देंगे आपको जो क्योंकि उनके पास भी टाइम कम था उन्होंने काफ़ी थोड़े दिनों के लिए आए हुए थे तो फिर जितना हो सका हम लोग गए काफ़ी जगहों पर जो भी इस्लामाबाद की अच्छी अच्छी जगहें थी रावलपिंडी की वहाँ पे हम गए तो हम अंदर आ चुके हैं यहाँ पे लोग आते हैं दुआ मांगते हैं आ, या सीन वगैरह पढ़ते हैं ये बॉक्स है यहाँ पे लोग पैसे डालते हैं जिसकी जो हैसियत होती है तो उसके मुताबिक सदके के तौर पर पैसे डाल देते हैं इसमें तो यहाँ पे जी हमने फूल और ये मखाने से हैं ये बस लोगों को देंगे थोड़े थोड़े फूल और चादर वो यहाँ पर बैठी होती हैं गार्ड तो उन्होंने कहा कि आप एक साइड पे रख दें वो हम खुद ही डालेंगे क्योंकि उनके कोई सिक्योरिटी का शायद होता है तो इस वजह से वो फिर हमने साइड पे रख दी तो, तो ये अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत इन्होंने बना दी है अभी अच्छा जी अभी हमने दुआ शुआ मांग ली अभी हम जा रहे हैं बाहर वापस बस थोड़ी थोड़ी देरी हम लोग रुक रहे थे क्योंकि आपको जान आपको तो जैसे मालूम है ना कि सर्दियाँ बहुत हो गई हैं और दिन भी छोटे हो गए रात जल्दी हो जाती है तो अभी काफ़ी ठंड भी हो रही थी शाम भी हो रही है तो अभी हमने कहा चलें अभी आगे चलते हैं यहाँ पे जो हमने देखना था दुआ वगैरह मांगनी थी मांग ली अभी हम आगे आगे ये रास्ते में एक घोड़ा था वो जो मुहरमों में ये लोग निकालते हैं शिया लोग काफ़ी बड़ा घोड़ा सेहतमंद अच्छा जी अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ पर लेक व्यू पार्क में तो ये यहाँ पे भी वाइट घोड़े बड़े खूबसूरत से है लोग यहाँ पे भी घोड़सवारी करवाते हैं जिसने करनी होती है कर लेते हैं ऊँट भी थे पीछे लेकिन मैंने ये घोड़े मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे लगता है ये जोड़ी है बहुत खूबसूरत जोड़ी है इन दोनों घोड़ों की ये हो सकता है मेल फीमेल हो अच्छा जी अभी अंदर की साइड पर चलते हैं जहाँ पे झूले लगे हुए हैं तो ये लेक व्यू पार्क काफी खूबसूरत पार्क है और काफी बड़ा पार्क है इस्लामाबाद का यहाँ पे हम जब बच्चे छोटे थे तब भी आते थे तो यहाँ पे जी मोज मेला अंदर ये लगा हुआ है झूलों का और अभी हम अंदर आ चुके हैं तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत खूबसूरत सा माहौल बना हुआ था ज़बरदस्त से झूले और हर तरफ लाइटनिंग शाम हो रही थी आहिस्ता आहिस्ता तो हमने कहा कि जल्दी जल्दी से ज़रा पिक्चर्स वगैरह बना लें रोशनी रोशनी में तो अभी यहाँ पे काफ़ी रौनक हुई हुई है लोग आए हुए हैं छुट्टी का दिन होता है संडे का दिन तो लोग फैमिली के साथ आते हैं घूमने फिरने के लिए खासकर बच्चे बहुत खुश होते हैं ऐसी जगहों पर आकर जहाँ पे ये राइड्स वगैरह लगी हों बच्चों की झूले वगैरह हों तो यहाँ पे हर तरह के बड़े ालिम किस्म के झूले थे मैंने देखा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया क्योंकि हम कराची में लेते थे सिंधबाद वगैरह और क्लिफ्टन अलादीन पार्क में ऐसे झूले होते थे तो बचपन में लेते थे ये स्कूल का कोई ट्रिप भी आया हुआ है यहाँ पे स्टार्स भी लगे हुए थे तो अभी आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा ये मैं आपको दिखाऊंगी बहुत अच्छी अच्छी राइड्स हैं यहाँ पे कुछ ख़तरनाक सी राइड्स भी थी उनको जो ले रहा था उनको देख के हमें भी ज़रा डर लग रहा था लेकिन मुझे सबसे अच्छी यहाँ पे राइड जो लगी है ये ट्रेन की राइड लगी है ट्रेन बहुत मज़े की लगती है मुझे ये क्योंकि हम जब छोटे थे तो क्लिफ्टन में लेते थे ये वाली इस तरह की ट्रेन वहाँ पे भी होती थी ना तो हम दो तीन दफ़ा लेते थे इसका झूला तो खैर मैंने तो आज तो नहीं लिया क्योंकि मैंने कहा कि बस अभी बचपन गुजर गया बड़े हो गए तो ये देखिए बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना ट्रेन इसमें बहुत मज़ा आता है अभी आ रही है ऐसा ऐसा इसके बाद एकदम ये थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी ये जी बस ये ट्रेन पहुंच गई है जी स्टेशन पे तो आ गया स्टेशन तो मैं कराची वालों को कह रही थी चलो जी बैठ जाओ कराची वाले आप लोगों की ट्रेन आ गई है सुपर ट्रेन इसका नाम है और बहुत ज़्यादा इसी झूले पर रश है ज़्यादा लोग जो है ना इस झूले को पसंद करते हैं ट्रेन के तो ज़्यादा लोग यही वाला और ये देखिए जो बहुत खतरनाक किस्म की ये ये देखिए ये लटक रहे थे लड़के उल्टे सीधे जैसे बस जिसको मज़ा आ रहा था जिस तरह से भी बहुत खतरनाक था ये झूला तो हमने देखा बहुत सारे लड़कों को यूँ बांधा हुआ था और बस वहाँ से यहाँ पे ना तारों पे यूं लटका के चेयर लिफ्ट के बगैर बस यूँ लटकते हुए जा रहे थे दूसरी साइड पे अच्छा जी आपको बाकी पार्क भी दिखाते हैं काफी बड़ा ये पार्क है हम लोग खैर झील की तरफ तो नहीं गए हम लोग बस ये रात हो रही थी तो इसलिए हमने झूले वगैरह ये देखें दूसरा लड़का जा रहा है <laughs> काफी खतरनाक सा था और फिर आगे जाके बस वो इसका वो जहाँ पे लॉक सा लगा हुआ था ये यहाँ से होते हुए आगे चले जाएंगे और फिर वहां पर एक और लड़का खड़ा हुआ होता है इसी तरह से ऊपर बना हुआ है तो वहाँ पे फिर वो इनके जो ये रस्सियाँ वगैरह खोल देते हैं ये देखिए कितना ख़तरनाक झूला है सबसे ख़तरनाक है इसमें वो चेयर्स बनी हुई थी और वो उल्टी सीधी हो रही थी अच्छा जी अभी ज़रा स्टाल पे आएँ चाय शाय पीते हैं क्योंकि ठंड हो गई है रात हो गई है काफ़ी और हमने कहा ज़रा चाय कॉफ़ी पी लेते हैं तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं और ये देखिए इनकी आवाज़ मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगी बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत उन्होंने बजाया बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा बजा रहे थे था अच्छा जी अभी हम वापस निकल रहे हैं तो हमने कहा चलें जी जाते जाते आप लोग दफ़ा दिखाते हैं लाइटें शाइटें झूलों की लाइटें नज़र आ रही है अभी बाकी कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से निकलते हैं अभी हम जाएंगे खाना खाएंगे तो ये जी रास्ते में हम बिल्ली तरफ जाते हैं बारिश भी शुरू हो गई थी ये बिल्कुल आप देखेंगे शीशे पे बारिश की नजरें नज़र आ रही है आपको बारिश स्टार्ट हो गई थी और ठंड भी थोड़ी ज़्यादा हो गई लेकिन यह शुक्र है हमने ज़रा घूम के लिया जो घूमना फिरना था हमने जहाँ जहाँ जाना था उस वक्त बारिश नहीं हुई फिर बाद में हुई तो अभी हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं अब देखते हैं खाना कहाँ पे खाते हैं आपको दिख दिखाते हैं मेहमानों को हम लेकर आए हैं यहाँ पे आ ये सेवर फूड के साथ है ना चरगे वाले फूड स्ट्रीट है रावलपिंडी में ये एक तो यहाँ का चरगा बहुत मशहूर है मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में आपके साथ शेयर किया हम अक्सर खाना खाने बाहर आए तो ये जरूर खाते हैं चरगा तो यहाँ का चरगा बहुत मशहूर होता है मजे का और यमी सा तो हमने मेहमानों का मेहमानों को कहा कि चलें जी आज हम आपको ये चरगा खिलाते हैं तो ये जी यमी यमी मजेदार मसालेदार चरगा आ गया और मेहमानों के मुंह में भी पानी आ गया तो उन्होंने भी कहा कि भाई बहुत मजे का बना था अभी हमने खा पी लिया अभी हम वापस जा रहे हैं यहाँ से बाहर तो यहाँ पे ये इन्होंने बायर फिश और ये चरगा रखा हुआ है ये मसाला वगैरह साथ साथ लगाते जाते हैं रश काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग आते रहते हैं फिर ये लोग फ्राई 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 कर कर करके देते हैं लोगों को तो जी अभी हम वापस जा रहे हैं अपने घर तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट की थी कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आई है और बैल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाजार का भी लोग मेहमानों को शॉपिंग करवाएंगे और फिर अयूब पार्क का भी लोग तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़